सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड में अगर आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है, पहले अगर आप एक बार आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अगर सुधार करवा चुके हैं तो अगर आप फिर से अगर डेट ऑफ बर्थ सुधार करवाना चाहते हैं तो कैसे आप ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं। अगर आपको अभी तक ये भी नहीं पता है कि अगर आप कैसे पता करना चाहते हैं कि लिमिट क्रॉस हो चुका है या नहीं हुआ है अभी तक, तो इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ से आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जो भी लैंग्वेज आपका है वो लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपका आधार कार्ड का होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद माई आधार पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, अपडेट डेमोग्राफी डाटा एंड चेक स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ से लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP डाल के आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो ऊपर आपको आधार नंबर डालना है, नीचे कैप्चा डाल के सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी OTP आएगा वो OTP इंटर करके आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको यहां से लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा तो आपका डैशबोर्ड यहां पे खुल के आ जाएगा, आपका लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा यहां पे। यहां आने के बाद आपका एक ऑप्शन आपको यहां पे दिखाई देगा, ऑनलाइन अपडेट सर्विसेज, जो कि आपका सबसे ऊपर में 3 नंबर में आपका ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन अपडेट सर्विसेज वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट सर्विसेज पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक करना है। नीचे आपको प्रोसीड करना है यहाँ से। उसके बाद आपका जो सामने इस कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें नेम आप 2 बार यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप 1 बार सुधार कर सकते हैं। जेंडर आप 1 बार सुधार कर सकते हैं। एड्रेस आप जितना बार आपका मन करे उतना बार आप अपडेट कर सकते हैं। नाम अगर यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा अभी 1 बार मैं अभी सुधार करवा सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन अपडेट कर सकता हूँ। अगर आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है तो यहाँ पे 0 बताएगा, 00 यहाँ पे बताएगा, जो कि आपका नहीं हो सकता। अगर आप पहले से करवाए होंगे तो आपका यहाँ पे 0 शो करेगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपका लिमिट बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। तो अगर आपका लिमिट यहाँ पे नहीं बचा हुआ है तो आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे अपडेट करवा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको एक ट्रिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर सबसे पहले आपको अपना नज़दीकी सेंटर इनरोलमेंट सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ भी आपका नज़दीकी इनरोलमेंट सेंटर है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आपके नज़दीक में कौन सा सेंटर है तो यहाँ पे लोकेट इनरोलमेंट सेंटर पे क्लिक करके यहाँ से पोस्टल पिन कोड डाल के आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपके नज़दीक में कौन कौन से इनरोलमेंट सेंटर है, जिसमें आपका बायोमेट्रिक अपडेट होता है, न्यू इनरोलमेंट होता है, जो भी अपडेट होता है और डेमोग्राफी अपडेट होता है। तो वो आप यहाँ से पोस्टल पिन कोड डाल के और यहाँ से कैप्चर डाल के लोकेट सेंटर पे क्लिक करके आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपके नज़दीक में कितना सेंटर है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो आपको सबसे जो नज़दीक होगा उस सेंटर पे आपको जाना है और आपको वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाने के लिए आपको 10th का मार्कशीट या कोई वैलिड प्रूफ, आपको एक वैलिड प्रूफ आपको ले जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, एक घंटे के अंदर अगर आप वही सेंटर से सेम सेंटर से अगर आप 2 बार इनरोलमेंट करवा लेते हैं, 2 बार अगर आधार अपडेट करवाते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो आपका 100% यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आप 1 घंटा के अंदर ही करवाते हैं तो ही आपका यहाँ पे अपडेट किया जाएगा आधार कार्ड। अगर आप अलग अलग सेंटर से अगर 2 बार अपडेट करवाते हैं 1 घंटा के अंदर तो आपका ये नहीं होगा अपडेट, ऑनलाइन अपडेट नहीं होगा। पहले ये हो जाता था बट ये अब अपडेट कर दिया गया है। अगर आप एक ही सेंटर से अगर आप 2 बार करवाते हैं अपडेट 1 घंटे के अंदर तो आपका यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपका लिमिट क्रॉस है तो भी आपका अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये अभी भी बग है, इससे भी अभी भी अपडेट हो जा रहा है। तो ऐसे करके अगर आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है तो आप सुधार करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञान टेक्निकल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर आप आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, नाम सुधार करना चाहते हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे कि आप पता कर सकते हैं कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।